एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स। नया मंथ शुरू हो रहा है, बहुत सारी नए करेंट अफेयर्स को हम देखेंगे। आज हम साइंस और टेक की न्यूज़ को भी देखेंगे और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको भी डिस्कस करना है। वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, विच इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने परचम का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्या होगा, 1 अक्टूबर के मतलब जो डेली हमारा करेंट अफेयर्स आता है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप इजीली और फ्रीली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। सो 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। अभी रिसेंटली मैंने आपको इंडिया एजिंग रिपोर्ट के बारे में भी बताया था, याद आया? मैंने उसमें कहा था कि टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 20% एल्डर पॉपुलेशन हो जाएगी बाय 2050, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। सो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन 2023 आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था 1990 मतलब 1990 में, और उसके बाद 1991 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर थीम क्या है, तो थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। ये इस साल की थीम है और इस साल 33rd नंबर का एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का। तो 1 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट करते हैं। तो अक्टूबर शुरू हो रहा है ओ से, और ओल्डर पर्सन डे भी ओ से पहला ही दिन है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे फॉर द कॉफ़ी लवर्स। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 अक्टूबर को, ठीक है। ये दिन इस बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मतलब अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें इस दिन के बारे में पूछे जाने की संभावनाएं, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों है, उसका रीज़न देखिए, क्योंकि 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है कहाँ पर, इंडिया में। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो एशिया में हो रही है। इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, एशिया में ही पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है बेंगलुरु में, 23rd सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में। और ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, ये इसका 5th नंबर का एडिशन है, 5वें नंबर का संस्करण है। एंड थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कॉफ़ी स्वामी। कौन है ये कॉफ़ी स्वामी, जो कि पूरे इस 5th नंबर का जो एडिशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसके मैस्कट है, मतलब शुभांकर है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1963 में, ठीक है। बेसिकली कॉफ़ी एग्रीमेंट साइन हुआ था जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं कॉफ़ी की, और जो कि कल्टीवेशन भी करती हैं कॉफ़ी का, उनके द्वारा एक पूरा बोर्ड बनाया गया था 1962 में एग्रीमेंट हुआ। और 1963 से इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहा है विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा इंडिया में कौन है, तो इंडिया में अगर देखेंगे तो कॉफ़ी के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था, 1942 में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, और एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ये मतलब होता है किसी एक्ट के जरिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। अब किस मिनिस्ट्री के अंदर कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है, तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करता है। कॉफ़ी बोर्ड में आपको 33 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो 33 मेंबर आपको कॉफ़ी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हम 2014 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कराती हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पे। आई थिंक आप इसका आंसर करने में कैपेबल होंगे। ये पूरा एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो कॉफ़ी बोर्ड से एसोसिएटेड था इसलिए इसको उठा लिया हमने। यहाँ पर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो कॉफ़ी बोर्ड, अभी सिखाया कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, तो यहाँ पर A का 1 हो जाएगा। अगर A का ऑप्शन 1 है तो आप देखेंगे जो हमारे कोड गिवन है उसमें पहला वाला कोड गलत हो गया, थर्ड वाला कोड गलत हो गया, या तो आंसर B होगा या तो आंसर D होगा, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका, चलो कुछ सस्ता सा हल्का सा देख लेते हैं हम, यहाँ पर टेबेको बोर्ड। तो हमें पता है आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर है वो तंबाकू के लिए जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, तो D का हो जाएगा 2।
तो डीकर टू कहीं मैच हो रहा है, हाँ डीकर टू इसमें भी है और इसमें भी है, चलिए मतलब अभी हमारा कुछ काम नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं टी बोर्ड। हमें पता है दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है ना, टी के बारे में अगर बात करें तो दार्जिलिंग आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता भी मिल जाएगा। तो कोलकाता यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा फोर। सी का फोर कहीं मैच हो रहा है, हाँ ये देखो सी का फोर, मतलब ऑप्शन आपका बी ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो रबर बोर्ड है वो आपको कोट्टयम में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। चलिए इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं आपको। हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम गाइडेंस सेल ओपन किया है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए एट्सेट्रा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये मेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये परचम का हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप तब कॉल करेंगे जब आपको कोई डाउट हो, जैसे कि पीडीएफ कैसे परचेस करनी है, पेमेंट हो गई है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, बुक के बारे में, मैगजीन के बारे में, सवाल रफ्तार के बारे में, इसके अलावा हमारा जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप इससे हेल्पलाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एंड 2 अक्टूबर को आप देखेंगे हमारा नया कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में बहुत जल्दी आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो स्टार्ट कर लें आज का करेंट अफेयर्स। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं डॉक्टर दिनेश दासा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इन्हें यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है, ठीक है। डॉक्टर दिनेश दासा टेक्स ओथ, इन्होंने शपथ ली है एज अ यूपीएससी मेंबर। और शपथ किसने कराई है, ऑब्वियस सी बात है जो चेयरमैन होंगे यूपीएससी के, कौन है चेयरमैन, मनोज सोनी। तो मनोज सोनी जी के द्वारा यहाँ पे इन्हें ओथ मतलब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया गया है। तो डॉक्टर दिनेश जो हैं वो यूपीएससी के मेंबर बन गए हैं। इसके पहले इन्होंने जीपीएससी मतलब जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसके भी चेयरमैन के रूप में 2016 से 2022 तक इन्होंने काम किया है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी के भी इन्होंने चेयरमैन के रूप में काम किया है, ओके है। तो डॉक्टर दिनेश जो हैं वो यहाँ पर यूपीएससी के मेंबर बन गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर दासा जो हैं या फिर डॉक्टर दिनेश जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है अबाउट द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिएगा यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग स्टेट भी आपके पीएससी एग्ज़ाम्स लेते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस होता है और आपका आपका एग्ज़ाम मतलब जो आपका पेपर है वो किस तरीके से तैयार होगा। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है बाय द यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, वो इस तरह की कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारे लोकसभा में भी कई सारी कमेटीज होती है ना, वैसे यूपीएससी के चेयरमैन भी एक कमेटी बनाते हैं विच इज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दिसंबर 2020 से 2022 तक इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश थे। ये नाइन मेंबर की कमेटी होती है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं और ये यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बनाई जाती है और एनुअली मतलब हर साल एवरी ईयर इसको बनाया जाता है। बेसिकली यूपीएससी के और डिफरेंट स्टेट के जो इश्यूज होते हैं एग्जाम्स रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए इस तरीके की कमेटी बनाई जाती है। अब एक क्वेश्चन आपको और हमारे वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है कि यूपीएससी का फॉर्मेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ, ठीक है। तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये बात हमें पता है। अक्टूबर 1926 में यूपीएससी का फॉर्मेशन होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके अंतर्गत यूपीएससी का फॉर्मेशन किया जाता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन इन 1924। तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद यूपीएससी का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। अगले पर्सन हम देख लें जो न्यूज़ में है। सो अगले पर्सन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम बात करने वाले हैं पीटीआई के बारे में। जनरली हम जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं या तो वो हम पीआईबी की न्यूज़ लेते हैं या तो हम पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ लेते हैं, तो एक न्यूज़पेपर एजेंसी है, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो के एन शांत कुमार इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो पीटीआई बोर्ड के चेयरमैन के एन शांत कुमार को बनाया गया है जो कि डेक्कन हेराल्ड में काम कर रहे थे, इन्हें पीटीआई के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है अवीक सरकार को, अवीक सरकार को इन्होंने रिप्लेस किया है और इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए इन्हें चेयरमैन बनाया गया है पीटीआई का। कोई पहली बार
ये चेयरमैन नहीं बन रहे पीटीआई के। इसके पहले अगर आप देखेंगे 2013-14 के लिए, 2013-2014 के लिए ये चेयरमैन रह चुके हैं पीटीआई के। किसे रिप्लेस कर रहे हैं? अवीक सरकार को कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई है, आप देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, जिनका नाम है प्रवीण सोमेश्वर। तो प्रवीण सोमेश्वर को वाइस चेयरमैन बनाया गया है पीटीआई का। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों हमने देख लिए। अब पीटीआई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पीटीआई जो है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहलाती है। ये भारत की, हमारी कंट्री की लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है, जो कई सारे मतलब न्यूज़पेपर के ग्रुप्स के द्वारा तैयार किया गया है। कब बनाया गया था इसका और रजिस्ट्रेशन जो है वो 1947 में हुआ था, और इसने काम करना शुरू किया, फंक्शनिंग करना शुरू किया 1949 से। क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए अगले पर्सन हम देख लेते हैं जो न्यूज़ में है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यहाँ पे गोकुल सुब्रमण्यम। तो इंटेल इंडिया ने गोकुल सुब्रमण्यम को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। इंटेल क्या है? एक चिप मेकर कंपनी है। आप बोल सकते हैं कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग कंपनी जो है वो इंटेल है, और इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएसए में, और सेकंड नंबर पे इंडिया में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है एज वी नो। तो चिप मेकर इंटेल के द्वारा गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो जितने भी इंडिया के अंदर कंपनी के जो भी वर्किंग होते हैं, डिज़ाइन ऑपरेशन होते हैं, उनको रन करने का काम, उनको देखने का काम कौन करने वाले हैं? गोकुल सुब्रमण्यम करने वाले हैं। इन्होंने निवृत्ति राय को रिप्लेस किया है। कुछ समय पहले निवृत्ति राय ने रेजिग्नेशन दे दिया था। डन। तो ये कुछ पर्संस थे। आइए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक स्कीम के बारे में। अब देखो ऐसा है कि हमारी कंट्री में एक उत्सव चल रहा है, और वो कौन सा उत्सव है? इलेक्शन का फेस्टिवल। ठीक है, इलेक्शन के फेस्टिवल में क्या होता है? जैसे कि एमपी में ही बात कर ले तो एमपी में भी इलेक्शन का टाइम आ गया है, आचार संहिता लग चुकी है। वैसे छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली, तो ऐसे समय पे कई सारी स्कीम्स को यू नो लाया जाता है वोटर्स को लुभाव कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है ओन हाउसिंग स्कीम फॉर द स्टेट होमलेस फैमिली। तो ऐसी फैमिलीज राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य की, जिनके पास घर नहीं है, तो ऐसी फैमिलीज को घर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। और उस स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली अक्रॉस द स्टेट वो सारे लोग जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें वो सारे बेनिफिशरीज इंक्लूड होंगे जो 2011 की जो सर्वे हुआ था उसमें सोशल इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेट इकोनॉमिक सर्वे भी कराया गया था, सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था, और इसके अंतर्गत भी लगभग कई सारी फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं जिनको ये लाभ होगा और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। घर बनाने के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो 100% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। पहले फेज में लगभग 47,000 होमलेस फैमिलीज को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, और हर एक फैमिली को आप देख सकते हैं 1,30,000, 1,30,000 एंड 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पे दिया जाएगा एज़ पर द लोकेशन। अगर हिली एरिया में बना रहे हो तो 1,30,000, और प्लेन एरिया में बना रहे हो तो 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात से। गुजरात में एक प्रोग्राम चलता है विच इज़ अ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसके बाद यहाँ पर देश को एड्रेस करने का काम भी इन्होंने किया है। आइए हम पूरी बात जान लेते हैं कहाँ से इसकी कहानी शुरुआत होती है। सो नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट 20th एनिवर्सरी ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की कौन सी एनिवर्सरी थी? तो 20th एनिवर्सरी थी, और जिसको एड्रेस करने का काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर हुआ ये समिट? अहमदाबाद सिटी में हुआ। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर का समिट होगा वाइब्रेंट समिट, वो कहाँ पर होगा? तो 10 से लेकर 12th ऑफ जनवरी 2024 के बीच में महात्मा मंदिर गांधीनगर में होगा। ठीक है, अभी जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है इसके 20 साल हो गए हैं, और इस समिट की शुरुआत जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तब उनके द्वारा 2003 में इसको शुरू किया गया था। क्लियर है, इसका मकसद है कि गुजरात को ट्रांसफॉर्म करना और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना, कि कई सारे इन्वेस्टर्स आए और गुजरात में आके इन्वेस्ट करें, नई नई कंपनीज बने और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो, ये इसका मकसद है। डन। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं एक ट्री के बारे में। जब हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं कि सिटीज़ को, शहरों को सुंदर बनाया जा रहा है, उन्हें ब्यूटिफाई किया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो फुटपाथ होते हैं या डिवाइडर होते हैं या कोई बिल्डिंग होती है, उनके अक्रॉस, उनके चारों तरफ आप देखेंगे बॉर्डर पे या बाउंड्रीज पे इस तरीके के सुंदर सुंदर से प्लांट लगाए जाते हैं। देखा होगा आपने, और हमेशा वो आप ये भी सोचते होंगे यार गर्मी इतनी है, लेकिन तो भी वो ग्रीन ही रहते हैं। तो ये जो प्लांट है इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं, जिनके प्लांटेशन पे गुजरात गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि प्लांट तो अच्छे होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा क्या हो गया कि इन प्लांट को लगाने पर, प्लांटेशन करने पर गुजरात गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया? देख लिए आपने डेफिनेटली इन तरीके के प्लांट्स को देखा होगा, ठीक है। इनको बोला जाता है कोनोकार्पस ट्रीज, कोनोकार्पस ट्री इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात की, उन्होंने यहाँ पर बैन लगा दिया है फॉरेस्ट एरिया एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया में इनको प्लांट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक एडवर्स इम्पैक्ट देखा जा रहा था एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे। मतलब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे कराया गया और उसमें कहा गया कि ये जो पेड़ है ना कोनोकार्पस ट्री, ये एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। बोला गया कि इनके जो पोलन होते हैं, मतलब जो आपके परागगण होते हैं, पोलन जो होते हैं, वो एटमोसफियर में बहुत हाईली तरीके से फैलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमन में कई तरीके की डिसीजेज भी देखी गई हैं कि ह्यूमन को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गई, ऐसा बताया गया। इसके अलावा बताया गया कि ये जो ट्रीज है, इनकी जो रूट होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप तक जाती हैं, इनकी जो रूट होती हैं वो डीप अर्थ तक जाती हैं। तो डीप जब जाती हैं तो ये जो नीचे बिछी हुई टेलीकम्युनिकेशन लाइन है या ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पाइप है, तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा बोला कि ये जो प्लांट है ना, ये डीप रूट वाले प्लांट हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर की इनको रिक्वायरमेंट, मतलब पानी की रिक्वायरमेंट इनको बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लगातार बहुत अधिक क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर को भी यूज़ कर रहे हैं। इससे फ्यूचर में हमारे ग्राउंड वाटर की क्राइसिस भी तो जनरेट हो सकती है, तो इनकी जगह दूसरे पेड़ों को लगाओ, इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं इनको ना लगाया जाए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या एडवर्स इफेक्ट देखा गया जिसके कारण गुजरात गवर्नमेंट ने बैन लगाने की बात की है? ये जो कोनोकार्पस ट्रीज है, बेसिकली इन्हें बटन बोट या फिर बटन मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है, एक तरीके के मैंग्रोव ही हैं ये, जो कि शोर लाइंस, मतलब जहाँ पे कोस्टल बाउंड्री वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर इनको देखा जाता है, या ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी खास बात ये होती है कि ये पूरे के पूरे 12 मंथ तक, 12 महीने तक ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं, डार्क ग्रीन कलर की इनकी लीव्स होती हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसके अलावा हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर में भी ये सस्टेन कर जाते हैं, मतलब क्लाइमेट कंडीशन कैसा भी हो इनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा एक्सट्रीम जो सैलिनिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लवणता है अगर मिट्टी में, तो भी उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में सॉइल से ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर के लिए थ्रेट भी है। इसके अलावा इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो विंटर के समय आपको देखने को मिलेंगे, और इनका जो नेटिव एरिया है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और स्पेशली यहाँ पे अफ्रीका के पार्ट्स भी हैं, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नासा के एक मिशन के बारे में। ये नासा की सैटेलाइट देख रहे हो, ये देखो, ये आपका क्या भेज रही है, एक लेज़र भेजती थी ये, और ये क्लाउड है जो हमारे, इसके अलावा जो एरोसॉल है वो क्लाइमेट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करने का काम ये सैटेलाइट बंद करता था। तो ये जो लेज़र भेज रही है, इसने लेज़र भेजना बंद कर दिया, तो नासा ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसने लेज़र भेजना बंद कर दिया, मतलब ये अब वर्किंग नहीं है। तो इस मिशन के बारे में हमें थोड़ा सा बात करनी है। आइए, यहाँ पर ये जो लाइट भेजा जा रहा है इसे हम बोल रहे हैं लिडर। क्या बोल रहे हैं हम इसको? इसको हम बोल रहे हैं लिडर, LIDAR, लिडर। लिडर का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग, क्लियर है। एक तरीके से लेज़र लाइट को ये भेज रहा है, जिसकी मदद से हम अर्थ के क्लाउड, एरोसॉल और एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं। ये नासा का इस तरीके का पहला मिशन था, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नासा के इस मिशन के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कैलिप्सो, CALIPSO मिशन, नासा का मिशन है, जिसको 17 साल पहले 2006 में इसे लॉन्च किया गया था, और इसका जो लेज़र बर्स्ट है या लेज़र बीम है, इसने भेजना स्टॉप कर दिया है अर्थ सरफेस पे। ये बात हमें बताई है, नासा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनका ये जो कैलिप्सो सैटेलाइट है, जो कि हमारे क्लाइमेट, वेदर और एयर क्वालिटी को मेज़र कर रहा था यूजिंग द लिडर, और इसने ये
स्टॉप हो गया है, मतलब लाइट भेजना, लेज़र बीम भेजना बंद कर दिया है। अगर हम इस मिशन के पूरे फुल फॉर्म के बारे में जानें तो क्लाउड एरोसॉल लीडर एंड इंफ्रारेड पाथ फाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन इसका नाम था। ये क्लाउड और एरोसॉल का क्या इम्पैक्ट है अर्थ के क्लाइमेट पे, इसकी स्टडी करने के लिए भेजा गया था। बेसिकली एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, किसका, नासा का और फ्रेंच स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, जिसको 2016 में बेसिकली भेजा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नासा का एक मिशन था जिसका नाम है नासा का एक मिशन है जिसका नाम है ए ट्रेन मिशन का ही एक पार्ट था बेसिकली ये सैटेलाइट। ए ट्रेन मिशन जो है उसमें चार सैटेलाइट भेजे गए थे बाय नासा। कौन कौन से थे वो चार सैटेलाइट, आप देखेंगे, एक्वा, ऑरा, पारासोल एंड कैलिप्सो, ठीक है। तो इन्हें भेजा गया था एनवायरनमेंट वेदर की स्टडी करने के लिए, उसी का पार्ट आपको ये सैटेलाइट भी देखने को मिलेगा। डन इतनी चीज़ें, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ईरान ने सक्सेसफुली लॉन्च की है नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट। तो नूर 1, नूर 2 और नूर 3, तो ये नूर जो सैटेलाइट की रेंज है ये पूरे की पूरी किसकी है, ईरान की है। और ईरान ने अभी रिसेंटली नूर 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि एक इमेजिंग सैटेलाइट है। इमेजिंग सैटेलाइट होने के साथ साथ एक स्पाइंग सैटेलाइट भी है, मतलब निगरानी रखने का काम भी ये करेगी। तो नूर 3 सैटेलाइट को रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया है, एक इमेजिंग सैटेलाइट है जिसको ईरान ने डेवलप किया है, ठीक है। इससे ईरान की जो एबिलिटी है स्पेस में वो इंक्रीज होगी। ये 450 किलोमीटर की हाइट पे हमारे अर्थ ऑर्बिट में इसको सेटअप किया जाएगा। इसके पहले नूर 1 को 2020 में लॉन्च किया गया था, नूर 2 को 2022 में लॉन्च किया गया था। नूर 1 अब काम नहीं कर रहा है, ये वापस अर्थ पे आ चुका है। हाँ, नूर 2 काम कर रहा है और अब नूर 3 भी उसको सपोर्ट करने के लिए पहुँच गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट है कोटक म्यूचुअल फंड और CBSE ने यहाँ पर एक पार्टनरशिप की है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, हमारी कंट्री में चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, या दूसरे जो सारे टीचर्स हैं, यंगस्टर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको बैंकिंग टर्मोलॉजी के बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। या जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग, अगर पेरेंट्स से ही आप कभी बात करोगे तो उनसे अगर पूछोगे कि रेपो रेट को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से कई सारे के फाइनेंशियल टर्म होते हैं, टीचर्स को भी जानकारी नहीं होती और इन्वेस्टर को भी जानकारी नहीं होती। इसलिए यहाँ पे टीचर्स को और इन्वेस्टर को एडुकेट करने के लिए अबाउट द फाइनेंशियल टर्म, किस तरीके से आप फाइनेंस में इन्वेस्ट करो अलग अलग सेक्टर में, उसके लिए कोटक म्यूचुअल फंड और CBSE ने पार्टनरशिप बेसिकली यहाँ पे की है, ठीक है। तो कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम विद द पार्टनरशिप ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विच इज अ CBSE। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, सीखो पैसों की भाषा। बड़ा अच्छा नाम दिया है ना, सीखो पैसों की भाषा। बेसिकली यहाँ पे टीचर अक्रॉस द इंडिया लगभग 75,000 टीचर्स को यहाँ पर एडुकेट किया जाएगा अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल टर्म, क्लियर। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ है गूगल एंड HP, इन दोनों मिलके यहाँ पर भारत में क्रोम बुक लैपटॉप बनाने जा रहे हैं, जो कि इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया जाएगा लो कॉस्ट का, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इसका 2 अक्टूबर से शुरू होगा चेन्नई में, HP और गूगल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में। आप सभी को पता है एशियन गेम्स चल रहे हैं, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं टेनिस के बारे में, तो टेनिस में एक सिंगल का टाइटल होता है, मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल। फिर एक होता है डबल का टाइटल, तो डबल में क्या होता है, या तो दो मेल होते हैं या फिर दो फीमेल होते हैं, वो डबल होता है। एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल का एक पेयर होता है, एक टीम होती है और वो खेलते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं मिक्स डबल के बारे में, ओके। तो एशियन गेम्स 2023 में रोहन बोपन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टेनिस, तो रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले, इन दोनों ने मिलकर गोल्ड मेडल जीता है मिक्स डबल में एशियन गेम्स में। मैं धीरे धीरे आपको बस नाम याद दिलाने की या रखवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए डेली कोई एक न्यूज़ मैं एशियन गेम्स की लेकर आती हूँ। जब एशियन गेम्स खत्म हो जाएंगे तो पूरा एक साथ हम वीडियो वहाँ पर कवर कर लेंगे, ओके। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आई होप आप लोग इनके आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी के द्वारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 9th ब्लैंक पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड इन द जोहान्सबर्ग को डेलीगेशन को लीड किया गया। तो मैंने आपको कल बताया था 9th नंबर का ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटेल इंडिया किसे बनाया गया है, आज ही हमने देखा है, गोकुल सुब्रमण्यम को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है फिल्म 2018 को अपकमिंग जो एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड होते हैं इंडिया की ऑफिशियल नॉमिनेशन मिली है, एंट्री मिली है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये फिल्म जो है वो किस भाषा की है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मलयालम लैंग्वेज की है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लियांडर पेस। ठीक है, ये एशिया के पहले बन गए हैं मेल प्लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 5i Alliance, तो रिसेंटली मैंने आपको 5i Alliance के बारे में बताया था, पांच कंट्रीज का एक ग्रुप है। कौन शामिल नहीं है, तो फ्रांस यहाँ पे शामिल नहीं है। पांच कंट्रीज कौन कौन सी हैं, USA है, UK है, कैनेडा है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है। इन पांच कंट्री को हम 5i's के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्रांस यहाँ पे शामिल नहीं है। कल मैंने आपको ज़ीलैंडिया के बारे में बताया था, 8वें नंबर का कॉन्टिनेंट इसे बोला जा रहा है। कहाँ पर है ये, तो पैसिफिक ओशियन में आपको ये देखने को मिलेगा। 95% एरिया इसका जो है वो समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम जो भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम है, कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो मसूरी उत्तराखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम, झरिया मास्टर प्लान जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, ये मास्टर प्लान किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो अगर आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी अगर आप हमारे ज्योग्राफी को जानते हैं तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि झरिया जो एरिया है वो आपका किसके लिए जाना जाता है, कोल के लिए। रानीगंज, झरिया, ये सब आपका किसके लिए जाना जाता है, ऑब्वियसली बात है कोल के लिए जाना जाता है। तो कोई भी मास्टर प्लान यहाँ पे बनेगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ही होगा, इस तरीके से भी लिंक आप कर सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है बेसिकली, तो देखिएगा अभी रिसेंटली झरिया मास्टर प्लान का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो सामने आया है। ऐसा नहीं है प्लान आज नहीं बना, 2009 से रन हो रहा है, कुछ चेंजेस बेसिकली किए गए हैं इसलिए वापस से न्यूज में है। ठीक है, इसमें बोला है कि हमें कुछ यहाँ पे साइंटिफिक मेजर्स लेने चाहिए और जो फायर का सरफेस एरिया है उसको 17.32 स्क्वायर किलोमीटर से रिड्यूस करके 1.80 स्क्वायर किलोमीटर कर देना चाहिए। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं उनके रिलोकेशन के लिए, उनको उनकी व्यवस्था करने के लिए भी यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोल माइंस इन झरिया कोल फील्ड ये कब से शुरू हुई है, 1916 में इस पर पहली बार फायर ब्लास्ट को रिपोर्ट किया गया था, और फायर ब्लास्ट को यहाँ पे हमें रिड्यूस भी करना है, सरफेस फायर को रिड्यूस भी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला वो कौन सा स्पोर्ट इवेंट है जिसमें मेंस एंड वीमेंस के लिए इक्वल प्राइज मनी ऑफर की गई, सो आंसर हो जाएगा US Open, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पुरानी न्यूज़ है, बस MCQ अभी लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है अबाउट द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, भारत की रैंकिंग 56 नंबर पे है, इसे रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने और स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, एक और तीन सही है। तो जो भी सही आंसर होगा आप हमें कमेंट में दीजिएगा। अगर आपने कल का CA देखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैंने वहाँ पे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को डिस्कस किया था, तो आप आंसर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके है, बाकी सारी बातें अपकमिंग वीडियो में करते हैं। टेक केयर एंड बाय।